हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का मोटिवेशन है, अब तो बस जीतना है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, अब तो बस जीतना है। पुराने समय की कहानी। एक राज्य था, एक दिन गुप्तचरों को सूचना मिली कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाले हैं। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है। सिर्फ 3 दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य अपने विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा और उनकी सेना इतनी बड़ी है, उनका सामना करना बहुत मुश्किल है। राजा बेहद चिंतित हो गए। राजा ने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी और अब हम लोगों को मरना तय है, अगर किसी के पास कोई सुझाव है तो बता सकता है। वहीं पर राजा के चतुर मंत्री ने कहा, अब जान पर बात आ गई है तो इसको एकमात्र उपाय है कि मैं आज ही अभी ही इस वक्त ही पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोला, मंत्री जी, हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे। मंत्री बोला, पड़ोसी राज्य अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है, अभी हम उस राज्य पर हमला कर दे तो वह राज्य संभल नहीं पाएगा और हमारी जीतने की कुछ तो संभावना बनेगी। वैसे भी हम पर हमला होने वाला है, वो इतनी विशाल सेना है, हम ही मरने वाले हैं। वह वैसे भी हमें 3 दिन बाद मारने वाले, तो क्यों ना हम कुछ न करने से यह कर सकते हैं। राजा को बात थोड़ी अच्छी लगी और उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और इस राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध में चले गए। पड़ोसी राज्य जो था, वहाँ तक पहुँचने के पहले एक पुल पार करना होता था। जैसे ही वो सेना पुल पार करके उस राज्य में पहुँच गई तो राजा ने कहा, हम पड़ोसी राज्य में घुस चुके हैं, ये जो पुल है इस पुल को जला दो। और जलाने के बाद सेना को बोल दिया, हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय लड़ने के, या तो लड़कर जीत ले या फिर हम यहीं पर मर जाए। क्योंकि राजा ने पुल जला दिया, हमारे पास भागने का कोई ऑप्शन नहीं है। सभी सैनिक पूरी क्षमता के साथ लड़े और पड़ोसी राज्य की सबसे बड़ी सेना को उन्होंने हरा दिया। इस एटीट्यूड के साथ कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इस कहानी का मैसेज यह है कि जब आपके पास प्लान बी नहीं होता है और प्लान ए होता है, तब उसके पूरे होने की संभावना बहुत अधिक होती है। जब आपके पास में रास्ते किए अगर नहीं किया तो मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तो संभावना बढ़ जाती है अपने काम में कामयाब होने की। हर कामयाब इंसान का एक वक्त ज़रूर आता है कि जब उसको लगता है अब अगर मैंने कुछ नहीं किया तो बर्बाद हो जाऊंगा, वह इंसान पूरी मेहनत और लगन के साथ कर लेता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और तुम्हारा भाई अगला वीडियो जल्द लेके आएगा। जय हिंद, जय भारत।